गुण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव तस्मै श्री गुरु नमेदं श्री दक्षिणा संभोगे विप्रलंबे निरुभयम अभयम भाति भूपो परसानां विक्षेपे वा समाधो विहरण निपुणा ब्रह्म विद्येव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् वं ब्रवीति ओकेन प्रयुक्तोऽयं पापं करोति पुरुषः अनिच्छन्नपि पदादिव नियोजितः इच्छा नहीं है कोई जबरदस्ती हमको पाप में ढकेलता है वो पाप में ले जाने वाला कौन है यह है अर्जुन का प्रश्न और उपनिषद का प्रश्न है कि किसकी प्रेरणा से मन विषय में जाता है किसकी प्रेरणा से प्राण चलता है कान और आंख किसकी प्रेरणा से काम करते हैं वाणी किसकी प्रेरणा से बोलती है दोनों प्रश्न पर आप पहले ध्यान दे दो। एक तो है आंख में देखने की शक्ति और एक जो अपने को प्यारा लग जाए उसी उसी देखने को आसक्ति और एक उसके लिए अनुशासन भंग करके विधि शास्त्र का भंग करके उसकी ओर प्रवृत्ति माने एक है आसक्ति पूर्वक प्रवृत्ति और एक है सीधे परमात्मा की ओर से प्रवृत्ति। ऐसा वो रोशनी लाल क्यों हो रही है और ये हरी क्यों हो रही है तो बोले भाई बिजली उसको हरी करती है और इसको लाल करती है नहीं बिजली तो सिर्फ रोशनी देती है ये लाल और हरा तो जो बल्ब में रंग भरा हुआ है उससे आता है तो वासना की अपेक्षा से प्रवृत्ति में भेद होता है। जन्मदाता सबका भगवान है काला उसने बनाया गोरा उसने बनाया पशु उसने बनाया पक्षी उसने बनाया मनुष्य उसने बनाया ठीक है परमात्मा ने सबको कान दिया आंख दिया जीव दी प्राण दिया मन दिया ये सामान्य रूप से जो इनका मिलना है वो तो बिजली की रोशनी के समान है और अलग अलग जो रंगीनी है वो बिजली की नहीं है वो बल्बों की है तो दोनों में फर्क समझो। सब बात परमात्मा पर डालने लायक नहीं होती है क्यों आखिर भेद क्यों है सांप में जहर है गाय में दूध है दोनों परमात्मा ने भेजे हैं कभी सांप का जो शरीर है वो क्रोध की वासना से बना है और गाय का जो शरीर है वो करुणा की वासना से बना है तो वही एक परमात्मा जब गाय में आता है तो उसकी शक्ति से दूध बनता है वो तो ठीक है परंतु गाय में दूध क्यों और सांप में जार क्यों कोयल में कुहू कुहू क्यों और कौवा में काव काव क्यों तो ये मशीन है वो कौवे की मशीन में काव काव आवाज आते हैं पर आवाज सामान्य रूप से आवाज देने वाला वही है कोयल में कुहू कुहू क्यों आती है क्योंकि कोयल की वासना है पूर्व जन्म की वासना है इस जन्म की वासना है मां बाप की वासना है इसमें फर्क हो जाता है। यदि ये वासना नहीं मानोगे
तो इसको शास्त्र में बोलते हैं परमात्मा ने एक को काव काव देकर उसके साथ अन्याय किया और एक को कुहू कुहू देकर उसका पक्षपात किया और बिना कुछ किए कुएल को कुहू कुहू मिल गया और बिना कुछ किए कौवे को काव काव मिल गया। तो बिना कुछ किए काव काव और कुहू कुहू मिला ये बात नहीं है। इसी से जिसके मन में जैसी उपासना है जैसा कर्म है और जैसी पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा है नाना की बाप दादा की माँ बाप की अपने जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार भेद होता है। नहीं तो एक आदमी को शराब देखते ही गय आ जाती है, अंडा देखे मछली देखे मांस देखे हमको कह आ जाती है। वो कह परमात्मा की भेजी हुई नहीं है, वो एक ने वैसा संग चढ़ा वैसा रंग चढ़ा उसकी वासना वैसी। तो वो ये नहीं कि हमसे पाप करवाने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने तुम्हें हाथ दिया और हाथ को हिलने डोलने की शक्ति दी, अब तुम किसी को इससे मारना चाहते हो कि जलाना चाहते हो कि हाथ जोड़ना चाहते हो, ये नहीं कि जिस परमात्मा ने हाथ दिया उसी ने गुस्सा मारना दिया, वो बात नहीं है ना। ये दोनों में फर्क है, इस बात को आप गीता से समझो। ये बहुत सूक्ष्म बात वेदांत में मानी जाती है, विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा इन तीनों के द्वारा प्राणियों का जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते पूर्व प्रज्ञा च। तो परमात्मा ने आपको आंख दी, अब किसी को क्रूर आंख से देखो कि मैं तो इसको मार डालूंगा और किसी को प्यार भरी आंख से देखो तो पाप दोनों में आ रहेगा। प्यार से देखोगे तो आसक्ति आवेगी और क्रूरता से देखोगे तो क्रोध आवेगा। क्रोध दुनिया को क्रूरता से दिखाता है और काम दुनिया को प्यार से दिखाता है। और महात्मा लोग जो होते हैं वो काम क्रोध के अधीन होकर दुनिया को नहीं देखते। तो मन में जो जानने की प्यार करने की शक्ति है वो तो भगवान की दी हुई है और कहीं फंस जाने की जो शक्ति है वो मन की वासना है। मन में जो समझने की शक्ति है वो तो भगवान की दी हुई है, लेकिन अपनी वासना के विपरीत हुआ तो उस पर क्रोध जो आता है वो दुश्मन समझने के कारण आता है। इसका आप विभाग कर लो, आप लोग गीता पढ़ते हो, ये छोड़ देने लायक बात नहीं है, उड़ा देने लायक बात नहीं है, ये समझने लायक बात है। तो रोशनी आती है पावर हाउस से वो तो ठीक है, पर लाउड स्पीकर आवाज लेके उड़ता है, दिखाता नहीं है, वो रोशनी नहीं देता। पंखा न आवाज उड़ाता है और न रोशनी देता है। पंखे की मशीन है हवा देने के लिए, लाउड स्पीकर की मशीन है शब्द देने के लिए, बल्ब है बल्ब की मशीन है रोशनी देने के लिए, हीटर की मशीन है गर्मी देने के लिए, रेफ्रिजरेटर की मशीन है ठंडक देने के लिए। तो आप ये विभाग कर लो कितनी चीज मशीन में से निकलती है और कितनी चीज पावर हाउस वाली बिजली में से आती है। तो अब देखो पाप का कारण बिजली नहीं है, मशीन की खराबी है। खटखट होने लगे, अभी पंखा चलता है खटखट करने लगे और उसमें से धुआं निकलने लगे और आग निकलने लगे और जलाने लगे, तो वो बिजली का दोष है कि मशीन का दोष है? एकदम साफ बात है, हम लोगों के जीवन में
ये जो पाप की ओर प्रवृत्ति है वो उस अनंत शक्ति परमात्मा की प्रेरणा नहीं है, ये हमारी वासनाएं जैसी बन गई हैं, जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार होता है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महातनो महापाप विद्येन मिह वैरिणम। अकबर को सुनते हैं, स्त्रियों का बड़ा शौक था, बादशाह था ना जहां पर परवरदिगार, स्त्रियों का बहुत शौक था। एक दिन बीरबल कहीं चले गए थे और उनकी लड़की के पास उसने संदेश भेज दिया कि तुम आओ हमारे पास। तो लड़की ने कहा कि जहां पना आपका घर है आप स्वयं यहां पधारिए ना, हम लोग धन्य धन्य हो जाएंगे। बड़ी चतुर थी लड़की ने क्या किया, 10-20 तस्करी सजाई, बढ़िया बढ़िया सोने की हीरा मड़ी हुई हीरा मोती, और उनके बीच में क्या किया उसने, फल काटे उनसे सब तय तक रूमाल रख के और पेश करने लगी जहां पनाह के सामने। एक लिया रूमाल हटाई तो नींबू कटे हुए थे और उन पर पीला रंग डाला हुआ था, चखा। फिर दूसरी तस्करी हटाई तो उसमें भी नींबू और उस पर हरा रंग डाला हुआ था, उसको भी चखा तो वही स्वाद। तीसरी पर लाल रंग डाला हुआ था, उन्होंने कहा क्या बदतमीजी है। उसने कहा जहां बना रंग अलग अलग है, स्वाद एक ही है, लड़की अलग अलग है, ये तो आपका शौक है, आप उस चीज को देखो ना जो सबके भीतर एक है। अकबर शर्मा के लौट आए हो, बीरबल की लड़की से छेड़छाड़ नहीं। सीताराम काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव। एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बगीचा लगाया, बंगला बनाया, प्याऊ लगाया, सदाबर्फ लगाई, बगीचे में घूमते थे बड़े प्रेम से। कोई जानवर आया मार दिया डंडे से, खड़ी की आंख से मार दिया, मर गया, हत्या आ गई। सेठ जी तुमने ये जानवर मारा है तुमको हत्या लगेगी। उन्होंने कहा मैंने कहा मारा है, तो लड़की अल्लाह जी ने मारा, वेदांती से हो। उन्होंने कहा तो लाठी ने मारा है, मैंने थोड़े मारा है। अब तो लाठी के पास गई हत्या, तो बोली मैंने नहीं मारा है, हाथ जब नहीं मारता तो मैं कहां से मारती, मैंने नहीं मारा है हाथ ने मारा, तो हाथ के पास हत्या गई। तो हाथ ने कहा कि मेरे देवता तो इंद्र है, उनकी शक्ति न होती तो मैं कहां से मारता, तो हत्या इंद्र के पास में। इंद्र ने कहा कि हमको तो ब्रह्मा ने इंद्र बनाया है, ब्रह्मा को लगो तुम हमको क्यों लगती हो, तो हत्या ब्रह्मा के पास में। अब ब्रह्मा जी घबराए और दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए कि हे भगवान अब हम क्या करें, तुम्हारी शक्ति से मैंने की हत्या तुम्हें लगनी चाहिए हमको नहीं लगनी चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा हत्या जी कोई देर करो, और तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण करके उसी बगीचे में उसी सेठ जी के पास पहुंच गए। अरे सेठ जी तुमने तो बहुत बढ़िया बगीचा बनाया। हाँ महाराज, कई बंगला का तुमने बनाया। अरे पत्थर तो मार्बल के मैंने मंगाए हैं, इतनी ऊंचाई पर इतनी से मंगाए। अच्छा बहुत बढ़िया बंगला बनाया। जाऊ लगाया कहा, सदा बर्फ लगाया कहा, ये फूल लगाए कहा, बहुत दूर दूर से मंगाए हैं, हजार तरह के गुलाब। जानवर किसने मार दिया, बोले अपने प्रारब्ध से मर गया। इसी को बोलते हैं मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा धूप। बुरे काम किए तो प्रारब्ध से हो गए
और अच्छे काम किए तो मैंने किए। ये गड़बड़ी ईश्वर के दरबार में है, यह अन्याय नहीं कर सकता। पत्थर के हैं मंदिर मस्जिद, सोने के हैं कलश कंगूरे, ये अन्याय नहीं कर सकता। तो ये पाप कहां से निकलता है? पाप न ईश्वर में से निकलता है बोला, न प्राण में से निकलता है, न मन में से निकलता है, न कान में से निकलता है, न आंख से निकलता है, न हाथ से निकलता है, न पाँव से निकलता है। पाप का बाप कौन है? कामेश क्रोधेश, जो काम है वही क्रोध है, जो क्रोध है वही काम है। काम क्रोध से ही पाप निकलता है। यदि मन में काम न हो, सन्यासियों के लिए ऐसा लिखा था, अद्य जाताम तथा नारी तथा शोधवाचिकी तुल्य से मन्यते जस्तु कवि संधित स्मृता। सन्यासी मारे नपुंसक, नपुंसक कैसे? आज की पैदा हुई लड़की और 16 बरस की युवती दोनों जिसकी दृष्टि में बराबर, जैसे आज की पैदा हुई लड़की पर काम का उदय नहीं होता, वैसे युवती को देख करके भी मन में काम का उदय न हो। तो भाई संदेह से स्मृता, सन्यासी अंधा होता है, सन्यासी बहरा होता है, सन्यासी गूंगा होता है, ऐसे वो शास्त्रों में इसका वर्णन है। पांचों का एक ही है। पाप कहां से आता है? आप अपने स्वरूप को परब्रह्म परमात्मा नहीं समझते, अज्ञान हुआ, उसके बाद मैं परिच्छिन्न हूं ये भ्रम होता है। तब ये दूसरी वस्तुएं हैं ये निश्चय होता है, और अब तब दूसरी वस्तुओं में ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, ये सुखप्रद है, ये दुखप्रद है, ये भेद होता है। तब दुखप्रद से द्वेष होता है और सुखप्रद से राग होता है। पहले अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान, तब अपने कल्पित स्वरूप का भ्रम, और उसके बाद भेदभाव, भेदभाव में हेय और उपादे, और हेय उपादे में त्याज्य और ग्राह्य में, अच्छे और बुरे में, जो अपने अनुकूल लगता है कि इससे हमको सुख मिलेगा उसमें होती है प्रीति, और जिससे मालूम पड़ता है कि इससे हमको दुख मिलेगा उससे होता है द्वेष। यदि अपने स्वरूप का ज्ञान न हो, परिच्छिन्नता का भ्रम न हो, हे उपादेय की बुद्धि न हो, सुखप्रद दुखप्रद की कल्पना न उठे, तो काम क्रोध आवेंगे कहां से? मूल बात यही है, इसी भेद भ्रम को मिटाने के लिए वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। महासनो महापापमा विद्धिन मिह वैरिणम, आप अपने दुश्मन को पहचानो। ये हमको एक देवी जी के बारे में मालूम है, वो एक दुकान पर जाया करते थे, एयर कंडीशन दुकान, और वो व्यापारी बड़ा सुंदर देखने में, और वो जाती तो कही आपके लिए ये चीज मैंने रखी है, आपके लिए ये चीज रखी है, वो तो खिलावे पिलावे बढ़िया बढ़िया चीजें उनको, फिर उधार भी दे दे। थोड़े दिनों में महाराज देवी जी को वो दुकानदार ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो तो मीठा देव बोलता था और आदर करता था, और अपनी अपने पतिदेव तो कभी डांट भी देते थे, कभी कड़वा भी बोलते थे, वो दुकानदार ही अच्छा लगने लगा। जब पति को मालूम पड़ा कि देवी जी रोज उसी दुकान पर जाती हैं और घंटों बैठ के माल देखती हैं और वहां कोका कोला पीती हैं और उससे मीठी मीठी बातें करती हैं, तब उसने कहा कि आज से उस दुकान पर जाना बंद। ये काम जो है ना, ये कैसे आता है आपको बताऊं? ये बच्चों को नहीं मालूम है, वो जिन्होंने संसार का अनुभव नहीं है वे नहीं समझते हैं।
मन होता है कि देखने में क्या पाप लगता है, तो भगवान ने आंख दी है देखने के लिए तो दी है, उसमें क्या पाप है। फिर आता है कि भगवान ने जीभ दी है बोलने के लिए, तो आओ इससे दो दो बात कर रहे हैं, लो बात करने में क्या पाप लगेगा। जब तो बात करने लगते हैं तो मन में आता है आओ छूले, छूने में क्या पाप लगता है। अब जो महाराज वो छूना है तो बढ़ता है, स्पर्श बढ़ता है, मात्रा स्पर्शा सुस्कते शीतोष्ण सुख दुखदा, पहले मालूम नहीं पड़ता। नारद भक्ति दर्शन में लिखा है तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ते, पहले ये एक लहर की तरह आते हैं और बाद में जब संग मिलता है तब ये समुद्र बन जाते हैं। तो पाप की प्रेरणा न ईश्वर से आती, न प्रकृति से आती, न माया से आती, न पंचभूत से आती, न आंख कान नाक मुंह से आती, न अंतकरण से आती। ये कहां से आती है? कहिए, हम अपने दुश्मन को अपने मन में बसा लेते हैं, वहां से पाप की प्रेरणा का उदय होता है। जिसको हम चाहेंगे झूठ बोल के, बेईमानी करके, छल करके, कपट करके भी उससे मिलेंगे, और जिससे परहेज करना होगा, जिससे द्वेष होगा, जिस पर क्रोध होगा, उसके गुण में भी दोष निकाल के, बेईमानी करके, छल करके, कपट करके, उसको नुकसान पहुंचा के, और उससे परहेज करेंगे। काम ये सब क्रोध है, ये टूक टूक आते हैं, रजोगुण समुद्र माने धूल की तरह आते हैं। वो जैसे एक धूल आके शरीर पर गिरती गिरती है और शरीर को ढक देती है, फिर तो जाके स्नान करो, साबुन लगाओ, देखो मैल ही मैल नहीं, एक एक धूलों पड़ी थी, कण 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 धूल के शरीर पर पड़े और उन्होंने शरीर को ढक दिया। तो ये काम क्रोध हमारे आत्मा को कैसे ढकते हैं? भूमि नावृयते वान्यत् यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। नारायण, आग जलती है, दिखती रहती है और उसमें से धुआं निकलता है, ये सात्विक काम क्रोध का आवरण है। और आदर्श शीशा होता है, उस पर जब मैल आती है तो कहीं से दिखता है, कहीं से नहीं दिखता है। ये रजोगुणी काम क्रोध है। और जब उल्वे नावृतो गर्भ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो देर से जरायु से बिल्कुल ढका हुआ होता है, दिखता ही नहीं है। तो आप अपने काम क्रोध को पहचानो, उसमें थोड़ा थोड़ा सत्य की झांकी, वहां ऊपर है सत्य की झांकी मिलती है कि नहीं, उसमें अपना चेहरा दिखता है कि नहीं। यदि कभी कभी सत्य है सूच जाता, अरे ये तो काम है, अरे ये तो क्रोध है, पहचान लो, जाने उसे चीजें ही कछु पाप। इनको पहचान लेने से भी ये कमजोर पड़ते हैं, ये तो काम की लीला है। गीता प्रेस में एक बार दो जने बात कर रहे थे, एक का नाम था रामजीलाल, एक का नाम था गंगा बाबू, दोनों दो विभाग के उच्च पद पर थे। बात करते करते बहस हो गई, मतभेद हुआ, बहस हुई, जोर जोर से बोलने लगे, आंख लाल होने लगे। गंगा बाबू ने कहा, अरे आ गया भाई। तो रामजीलाल ने पूछा, क्या आ गया? अरे वही आ गया जो नहीं आना चाहिए। तो कौन आ गया? अब दोनों को काल हुआ, दोनों हंस गए, बात बंद हो गई। इनको अपना हित मत समझो, इनको अपनी भलाई मत समझो। जो तुम्हारे दिल को उठा के बाहर फेंक देता हो, तुम्हारी पूंजी तो दिल है, खजाना तो दिल है। काम तुम्हारे दिल को उठा के दूसरे के पास फेंकता है, और क्रोध तुम्हारा दिल जहां है वहां रहते हुए ही उसमें आग लगा देता है। ये बात पहचानो, क्रोध माने ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति।
काम माने बाह्य बंधनात्मक वृत्ति, हमारे दिल को बाहर ले जाकर किसी के साथ बांध देना, इसका नाम काम है। और हमारे दिल में आग लग जाना, इसका नाम क्रोध है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, अज्ञानियों के लिए कोई बात नहीं है। अज्ञानी को तो कभी काम आता है तो बाद में पछता लेते हैं, खत्म। कभी क्रोध आया तो बाद में पछता लेते हैं, कभी उसका मजा भी लेते हैं। बच्चों को खूब खूब मजा चखाया, बच्चों को क्रोध आया, चार सुनाई, बोले बच्चों को खूब मजा चखाया। तो मूर्ख लोग जो हैं वो तो क्रोध का मजा भी लेते हैं, काम का मजा भी लेते हैं कि इसमें बड़ा भोग मिला। लेकिन समझदार आदमी के लिए तो ये नित्य वैरी है, पहले से भी सोचते हैं कि ये दुश्मन है, जब आ जाते हैं तब भी व्याकुल हो जाते हैं कि वो हो परमात्मा छूट रहा है, जब बीत जाता है तब भी पछताते हैं कि हाय हाय ये क्यों आ गया। ज्ञानिनो नित्य वैरीणा, ज्ञानी का यह नित्य वैरी है, अज्ञानी का अनित्य वैरी है। उसको कभी बुरा लगता है कभी नहीं लगता है, लेकिन ज्ञानी को तो हमेशा ही, समझदार को तो ये हमेशा ही बुरा लगता है। यही हमारे ज्ञान को ठग देने वाली चीज है। बोला आवृतं ज्ञानम एतेना, ये मत समझना कि काम आवेगा तो हम तो ज्ञानी हैं, नरक में क्या जाएंगे। क्रोध आवेगा तो हम तो ज्ञानी हैं, हम नरक में क्या जाएंगे। अरे बाबा, नरक में जब जाना चाहे मत जाना, लेकिन जिस समय ये आके तुमको सताते हैं उस समय तो तुमको ही नरक बना देते हैं, उसमें बहानेबाजी नहीं चलती है। यदि मन में आई हुई आसक्ति, मन में आया हुआ काम तुम्हारे लिए परहेज की वस्तु नहीं है, किसी के लिए तड़प रहे हो, छटपटा रहे हो, मैं ज्ञानी हूं, मेरा क्या बिगड़ता है, छटपटाते भी जा रहे हैं किसी कामना के वश होके और बोलते मैं तो ज्ञानी हूं। हाँ, ब्रह्म ही छटपटा रहा है ना, ये छटपटाने का काम ब्रह्म ही कर रहा होगा। जब क्रोध आता है तो चलने लगते हैं, लाल हो जाता है, फिर काला हो जाता है, जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो मुख काला हो जाता है। सुंदरता का शत्रु है क्रोध। एक दिन मैंने देखा, एक बहुत यहाँ अपने देश के बड़े धनी माने जाते हैं, एकाएक मेरे पास आ गए, नहीं बंबई में, पहले देखा नहीं था, हमारा ख्याल था कि बड़े सुंदर होंगे। चांद तो बड़ा सुंदर था सचमुच, लेकिन मुंह पिचका हुआ था, आंख के नीचे काला हो गया था। क्यों हो गया? जवान है, बिल्कुल जवान है, ऐसा क्यों हो गया? ये जवानी आने पर आप लोगों को है ना, वो वहां से निकलते हैं कि नहीं निकलते? क्यों निकलते? क्रोध आने पर मुंह लाल काला क्यों होता है? ये ब्यूटी हाउस में जाने से भी ठीक होने वाला नहीं है। क्रोध जिसका चेहरा बिगाड़ देगा और काम जिसका चेहरा बिगाड़ देगा वो ब्यूटी हाउस में जाने से ठीक नहीं होगा। नोट कर लो इस बात को। आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, अज्ञानी लोग तो काम क्रोध का मजा भी ले सकते हैं, पर ज्ञानी लोग तो काम क्रोध का मजा भी नहीं ले सकते हैं, नित्य वैरी है। तुम ब्रह्म भी हो और काम भोग से सुखी भी हो रहे हो, तो धन्य है तुम्हारी ब्रह्मता को। तो तुम ब्रह्म भी हो और किसी के ऊपर क्रोध करके मजा ले रहे हो, धन्य है इस ब्रह्म ज्ञान को, किसी ने ज्ञान को ढक दिया। आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, दुश्मन कौन है? शांति हो, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च, काम क्या है? काम रूप है वो, काम रूप है। काम रूप शब्द का आपके ध्यान में जल्दी नहीं आता है,
जैसी कामना हो वैसा रूप धारण कर ले। काम बहुरूपिया है। एक राजा था, बिहार में था, बड़ा कामी था। उसने बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी कर रखी। कहता था तुम हमसे प्रेम करो नहीं तो कूड़ा मार मार के पीठ की खाद उदेड़ देंगे। अब भला बताओ ऐसे कोई प्रेम करता है? कूड़े से मार मार के प्रेम थोड़ी कराया जाता है। काम रूप का अर्थ यह है कि जैसे राक्षस लोग हैं वो जो चाहे वैसा रूप धारण कर लें। एक बार राम रावण का जब युद्ध हो रहा था तो रावण की सेना हारने लगी तो किसी ने उसको सलाह दी कि देखो जितने राक्षस हैं ये सब गाय बन जाए और गाय बन के युद्ध में चले और जितने बानर सामने आवे सींग से उनका पेट फाड़ते जाए। अब महाराज गाय बन गए राक्षस, गाय बन गए सब के सब और बहुत पड़े राम जी की सेना पर। राम जी धनुष बाण लिए खड़े, हनुमान जी पहाड़ लिए खड़े, लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए खड़े कि गाय को कैसे मारे। और विभीषण ने कहा कि महाराज ऐसे युद्ध नहीं होता है, आप हमसे सीखिए, आप व्याघ्र बाण का प्रयोग करिए, ऐसे बाण मारिए जो बाघ हो जाए। अब महाराज शेर हो के जब बाण निकलने लगे तो गौएं जो है वो डर डर के फिर राक्षस बन गए और मर गए सबसे सब। तो इसी को बोलते हैं राक्षसात काम रूपिणा। राक्षस लोग होते हैं वो जैसा चाहे वैसा, वो कभी नाना करके भी काम आता है, कभी हाँ हाँ करके भी काम आता है, कभी डंडा मार के भी काम आता है। हम ऐसे कामी पुरुष को जानते हैं जो सबके सामने अपने प्रेमी को डंडा मारते हैं, गाली देते हैं और प्रेमी लोग खूब प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं और एकांत में कामों को भोग करते हैं। अनेक रूप धारण करता है महाराज। कामना को छिपाने के लिए मनुष्य कितने कितने धूम करता है। काम रूपेण जैसी कामना, अहंकार का रूप आप जानते हैं, ये सब ऐसे ऊपर बैठे हुए अभिमानी हैं और मैं जूते में बैठा हुआ बहुत विनयी निराभिमान। अरे उसको जूते में बैठने का भी अभिमान है। ये भी एक चरसिया त्याग बोलते हैं। और इसको ये कामना की बात आपको सुनाते हैं। एक थे महात्मा, तो वो किसी से कुछ लेते नहीं थे। वो सिर्फ कोई 5 रुपया दे देते, चाहे 5,000 दे वापस कर दिया करते, ले जाओ उठाओ ले जाओ। तुम हमको क्या समझता है? अरे महाराज किसी को बांट देना, मैं तेरा नौकर हूं, तेरे बाप का नौकर हूं, बांटना हो तो जा बांट, मैं नहीं बांटता। अरे महाराज ऐसे फटकार। एक सेठ था कंजूस, उसने सोचा कि अच्छा है इनके पास ले चल करके बड़ी रकम दे तो नाम हो जाएगा कि सेठ इतनी रकम ले आया और ये लेंगे है नहीं तो वापिस आ जाएगी, काम भी हो जाएगा वापिस भी हो जाएगी। अब वो महाराज 5 लाख रुपया ले जाकर सामने सेठ जी ने रख दिया महात्मा के सामने। महात्मा ने कहा प्रबुद्धानंद आई देखो और लोग लाते हैं बिना प्रेम के बिना श्रद्धा के तो उनकी वापस कर देते हैं, ये सेठ तो बड़ी श्रद्धा से लाया है आप इसका लेके रख दो। अब सेठ बेचारा तो मर गया तो वो वापस करने में भी हो वापस करने में भी कामना थी, है ना, वापस करने में भी कामना थी। तो ये काम रूपेण कहूंगा।